नमस्कार, मैं रमन कुमार, भारतीय सनातन धर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत। आजकल एक मुद्दा जो बड़ी जोरों शोरों पर बाजार में फैल है, मुद्दा है कि आखिर कुरान पर सवाल क्यों, क्या ये कह सकते हैं कुरान पर जंग क्यों? और कुरान पर सवाल उठाने वाले वसीम रिजवी जी के खिलाफ हजारों कमेंट आ रहे हैं, उनको फांसी चढ़ा दो, जाहिल है, जलील है। वसीम रिजवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों के खिलाफ उसको हटाने के लिए एक पीआईएल दायर की। इतनी सी दोष है उनका। टीवी चैनल पे अपने आप को कुरान और इस्लाम को शांति के संदेश बताने वाले सीधे सीधे उनको जलील और जो इस्लाम के धर्म गुरु है सीधे सीधे वसीम रिजवी जी के गले काटने से लेकर के फांसी देने की मांग की है। क्या फांसी किसी शांति के संदेश में आता है? क्या किसी ने सवाल उठा दिया तो उसको फांसी दे देना चाहिए? ये कौन सी शांति के संदेश? खैर, हम आज बात करेंगे और समझेंगे थोड़ा सा, प्रफुल्ल चतुर्वेदी जी के भाषा में समझेंगे क्या आखिर इस्लाम है, क्या कैसे ये शांति के संदेश देते हैं, कैसे शांति पूरे लोग हैं। भाई, वसीम रिजवी जी की पीआईएल दायर करने के बाद ये बातें सच हो गई है और काफी सटीक बैठती है इसको जो मैं बताने जा रहा हूँ। प्रफुल्ल चतुर्वेदी जी जो उर्दू के शायर भी बहुत अच्छे शायर हैं, लिखते हैं कि स्वयं और अन्य बहुत से मानवतावादी आज खिन्न है कि हमारे मुस्लिम भाई खुश नहीं है। मैं इनके लिए मनुष्यता के मैं प्रबल विश्वास रखने के नाते दुखी हूं और आंसुओं में डूबा हुआ हूं। वो तो नगर के सौभाग्य से मेरी आंखों में ग्लैंड खराब है, इसलिए आंसू अंदर अंदर ही बह रहे हैं, अन्यथा शहर में बाढ़ आ जाती। प्रफुल्ल चतुर्वेदी जी अपने शायरी के लहजे में कह रहे इसे, और लेकिन शहर के डूबने वाली बातें कह रहे, बहुत गहरी बातें हैं। हम बताते हैं, वो मिस्र में दुखी है, वो लीबिया में दुखी है, वो मोरक्को में दुखी है, वो ईरान में दुखी है, वो इराक में दुखी है, वो यमन में दुखी है, वो अफगानिस्तान में दुखी है, वो पाकिस्तान में दुखी है, वो बांग्लादेश में दुखी है, वो सीरिया में दुखी है, वो हर मुस्लिम देश में दुखी है। बस दुख ही उनकी नियति हुई। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश के आंकड़े इस कारण उपलब्ध नहीं दे पा रहा हूं कि वो भयानक तानाशाही के है केवल पानी की लाइन की शिकायत करने संबंधी विभाग में 5 लोग चले जाए तो देश में पीपल फैलाने की आशंका में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और फांसी चढ़ा दिया। इसलिए उनसे डाटा नहीं मांगा जा सकता और नहीं अरेंज कराया जा सकता। आइए हम इसका कारण ढूंढते हैं और देखते हैं वो कहाँ सुखी है। और तो वो ऑस्ट्रेलिया में खुश है, वो इंग्लैंड में खुश है, वो फ्रांस में खुश है, वो भारत में खुश है, वो इटली में खुश है, वो जर्मनी में खुश है, वो स्वीडन में खुश है, वो अमेरिका में खुश है, कनाडा में खुश है, और हर उस देश में खुश है जो इस्लामिक नहीं है। विचार कीजिए कि अपने दुखी होने के लिए वो किसको आरोपित करते हैं और उसका कारण क्या है। आप खुद बहुत खुश होते हैं, स्वयं को नहीं, अपने नेतृत्व को नहीं, अपने जीवन दर्शन को नहीं, वो उन देशों को जहां वो खुश है, जहां की व्यवस्थाओं से खुश है, उनके प्रजातंत्र को आरोपित करते हैं, उनको प्रजातंत्र का आरोप लगाते हैं और चाहते हैं कि इन सब देश को अपनी व्यवस्था बदल लेनी चाहिए। यानी जहां खुश है उन देशों की व्यवस्था भी बदल के
इस्लामिक देशों जैसा कर देना चाहिए जहां पे वो दुखी है। वो इन देशों से चाहते हैं कि वो स्वयं को उन देशों जैसा बना ले जिन्हें ये छोड़कर आए हैं। इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए देखना रोचक रहेगा कि विश्व के भिन्न भिन्न समाज एक दूसरे के साथ रहते हुए किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। हिंदू, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई, शिंतो, मतानियों, कन्फ्यूशियस मतानियों, यहूदी, ईश्वरवादी के साथ सामान्य रूप से शांति से रहते हैं। बौद्ध, हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई हो, शिंतो मतानियों, कन्फ्यूशियस मतानियों, यहूदियों, ईश्वरवादी के साथ सामान्य रूप से शांति से रहते हैं। ईसाई मुसलमानों, बौद्ध हिंदू, शिंतो मनुतानियों, कन्फ्यूशन मनुतानियों, यहूदी अनिश्वरवाद के साथ सामान्य रूप से शांति से रहते हैं। यहूदी, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध हो, हिंदू हो, शिंतो, मनुनायो, कन्फ्यूशन अनिश्वरवाद के साथ सामान्य रूप से शांति से रहते हैं। इसी तरह शिंतो मतानियों, कन्फ्यूशियस मतानियों, अनिश्वरवाद को किसी के साथ शांतिपूर्ण जीवन यापन में कहीं कोई समस्या नहीं। आइए अब इस्लाम को समझते हैं। इस्लाम की स्थिति देखें। मुसलमान, बौद्ध हो, हिंदू, ईसाई हो, यहूदी, सिंतो मतानियों, कन्फ्यूशन मतानियों, मनुष्यवाद के साथ कहीं शांति नहीं से नहीं रहते। यहां तक कि अपने ही मजहब में तनिक विभिन्नता रखने वाले किसी भी मुसलमान के साथ चैन से बैठने को तैयार, जैसे कि वसीम बिजली के साथ हो। अपने से तनिक भी अलग सोच रखने वाले मुसलमान एक दूसरे के लिए खबीस, मलून, काफिर, वजीबुल कत्ल माने कहे और बढ़ते जाते हैं। एक दूसरे को की मस्जिदों में जाना हराम है। एक दूसरे के इमामों के पीछे नमाज पढ़ना कुफ्र है। एक दूसरे से रोटी बेटी के संबंध वर्जित है। सुन्नी शिया मुसलमानों को खटमल कहते हैं और उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते। सुन्नी मानते हैं कि शिया उन्हें पानी थूक कर पिलाते हैं। यह सामान्य तथ्यात्मक विश्लेषण तो यही समाप्त हो जाता है, मगर अपने पीछे 1400 वर्षों का आकार मजहब के नाम पर सताए गए, मारे गए, धर्म परिवर्तन के लिए विवश किए गए करोड़ों लोगों का आंतनाद, आगजनी, वैमनस्य, आहे कराहे, आंसुओं की भयानक महागाथा छोड़ जाता है। इस्लाम विश्व में किस तरह फैला, इस विषय पर किन्हीं चार पांच इस्लामिक इतिहासकारों की किताब देख लीजिए। काफिरों के सरों की मीनारे, खौलती तेल के उबाले जाते लोग, आड़े से चिरवाए जाते काफिर, जीवित ही खाल उतार कर नमक नौशादार लगाकर तड़पते काफिर, गैर मुस्लिम के बच्चों, औरतों को गुलाम बनाकर बाजारों में बेचा जाना, काफिरों को मारने के बाद उनकी औरतों के साथ हथियारों की जबरदस्ती शादियां, उनके मंदिर, चर्च, सिनेगॉग की ध्वस्त किया जाना, इनके भयानक वर्णनों को पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून खौलने लगे। ये सब कुछ अतीत हो गया होता तो पछतावे के अतिरिक्त कुछ शेष न रहता। भोर के सुंदर किरणें, चहचहाते पंछी, अंगड़ाई लेकर उठती धरा आते, दिन का स्वागत करती और जीवन आगे बढ़ती। मगर विद्वानों, ये घृणा, वैमनस्य, हत्याकांड, हाहाकार, वैशाचित कृत्य अभी भी उसी तरह चल रहे हैं और इनकी जनने सर्वोच्च विचारधारा अभी भी मजहब के नाम पर पवित्र और अस्पर्शी है। कोई भी विचारधारा, वस्तु, व्यक्ति, काल के परिप्रेक्ष्य में ही सही या गलत साबित होता है। इस्लाम की ताकत ही ये है कि वो न केवल जीवन को के सर्वोत्तम ढंग होने का मनमाना दावा करता है, अपितु इस दावे को परखने भी नहीं देता। कोई परखना चाहे तो बहस की जगह उग्रता पर उतर जाता है, जैसा कि अभी वसीम रिजवी के सर कलम करने की बातें हो रही है। उसकी ताकत उसका अपनी उदंड और कालाबाह विचारधारा पर पक्का विश्वास है।
आज तो युद्ध उनके क्षेत्र में लड़ा जा रहा है, कल से युद्ध अपनी धरती पर लड़ना पड़ेगा। इसलिए इन विश्वासियों को लगातार वैचारिक चुनौती देकर बदलाव के लिए तैयार करना और सशस्त्र संघर्ष से वैचारिक बदलाव के लिए बात करना अनिवार्य है। संसार का सबसे धनी आईएसआईएस संसार का सबसे धनी आतंकवादी संगठन, इसे सीरिया के खिलाफ प्रारंभिक ट्रेनिंग भी अमेरिका ने दी है। इसके पास अरबों खरबों डॉलर है, हथियार भी आधुनिकतम अमेरिकी है। इसके पोषण में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया जा रहा बेहिसाब धन भी है। ये देश भी इतना धन इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन देशों को भी कुफ्र और ईमान के दर्शन पर अटूट विश्वास है। सभ्य विश्व को इस समस्या के मूल तक जाना होगा। इसके लिए आतंकवादियों के प्रेरणा स्रोतों की वामपंथियों सेक्युलरों की मनमानी व्याख्या नहीं करना उनकी अपनी व्याख्या देखनी होगी। कुफ्र के खिलाफ जिहाद और दारुल हड़प का दारुल इस्लाम की परिवर्तन का दर्शन इन हत्याकांडों की जड़ है। इसमें मूल विश्वास, इसकी व्याख्या और इसकी लिए की जा रही कार्यवाही वैचारिक उपक्रम को कार्य रूप में परिणाम करने के उपकरण है। इसके विचारधारा के स्तर पर ही इनको विचारधारा के स्तर पर ही निपटना पड़ेगा। बातचीत की मेज पर बैठाने के लिए प्रभावी बल प्रयोग की आवश्यकता निश्चित रूप से है और रहेगी, मगर ये विचारधारा का संघर्ष है। ये कोई राजनीतिक या क्षेत्रीय लड़ाई नहीं, एक हाथ लगाए दबे पैर बढ़े आड़े हत्यारे नहीं। ये अपने वैचारिक कलुष, अपनी मानसिक कुरूपता को नगाड़े बजाकर उद्घाटित करने प्रचारित करते बर्बर लोगों के समूह है। जब तक इनके दिमाग में जड़े जमाए इस विचारधारा के बीज नष्ट नहीं कर दिए जाएंगे, तब तक संसार में शांति नहीं आ सकती। इसके लिए अनिवार्य रूप से इस विचारधारा प्रणाली को प्रत्येक मनुष्य के समान अधिकार, स्त्रियों के बराबरी के अधिकार यानी सभ्यता के आधारभूत नियमों को मानना होगा। इन मूलभूत मान्यताओं का विचार विरोध करने वाले समूहों को लगातार वैचारिक चुनौती देते रहनी होगी। न सुनने मानने वालों का प्रभावशाली दमन भी करना होगा। इसके लिए इस्लाम पर शोध संसाधन संस्थान, शोध परक विचार पत्र जनरल, शोध परक टेलीविजन चैनल, चिंतन प्रणाली में बदलाव के तरीके भी प्रभावशाली योजना बनानी होगी। इस तरह के शोध संस्थान आज भी अमेरिका में चल रहे हैं, नए खुल रहे हैं, मगर वो सब अरब के मेट्रो डॉलर से हो रहा है। ये संस्थान शुद्ध शोध करने की जगह इस्लाम की स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप तत्कालिक व्याख्या करते हैं और परिस्थितियों के अपने पक्ष में हो जाने यानी जनसंख्या के मुस्लिम हो जाने तक का इंतजार करते हैं। ये तकनीक इस्लामी यूरोप में इस्तेमाल कर रहा है, भारत में सफलतापूर्वक प्रयोग कर चुका है और हमारा आधे से अधिक भाग हड़प चुका है, शेष की योजना बनाने में लगा है। जब मुसलमान से ही लोग सवाल उठाने लगेंगे और सवाल पर दबाव बनाने में उपकरण मुल्ला समूह के शिकंजे से मुसलमान समाज को आजाद कराया जाएगा, तभी संसार शांति से बैठ सकेगा। कभी इसी संसार में मानव बलि के में विश्वास करने वाले लोग थे, मगर अब उनका अस्तित्व समाप्त प्राय है। मानव सभ्यता ने ऐसी सारी विचार योजनाओं को त्यागा है, न मानने वालों को त्यागने पर बाध्य किया है, तभी सभ्यता का विकास हुआ। सभ्य विश्व का नेतृत्व अब फिर इसकी योजना बनाने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। कई नौ ग्यारह नहीं झेल झेलने हैं तो स्वयं भी सनत होइए और ऐसी ही विचारधारा को दबाइए। मनुष्यता के पथ में सोचने को बाध्य कीजिए, बदलने पर बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहना भी गलत होगा कि सारे इस्लाम इसी या इस्लाम को मानने वाले इस प्रकार के, लेकिन जो कुछ भी है वो बहुत खतरनाक है। आपको इसको बदलना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं इसी में उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो भारत के तथाकथित सेकुलरिज्म है
उदाहरण उनके सामने है भारत पाकिस्तान का बंटवारा, लेकिन उसके बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली है और सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म करते हैं। या तो उन्हें अपने बाहों पर भरोसा नहीं है और पेट भरने के लिए अय्याशी करने के लिए बाहर के धन की आवश्यकता है, और उनको बाहर के धन मिलता है इसलिए वो सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म की नशा करते हैं। जैसे वामपंथी है जिन्हें चाइना के चाइना से फंडिंग होता है ऐसी। दूसरी बात, पत्रकारिता के विचारधारा भी बदल गया है। 40-45% पत्रकारिता के लोग एक ही भाषा में बात करते हैं, और जो 55% है उनकी कोई विचारधारा नहीं है, सब अलग अलग है। यहाँ पर भी सोचना पड़ेगा कि क्या पत्रकारिता में भी जिहाद हो चुका है। अंत में एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोग जो सेक्युलरिज्म के उदाहरण दे रहे हैं, एक किताब आने वाली है जल्दी, इसका नाम है विभाजनकालीन भारत के साथ। तब मई तक वो बाजार में आ जाए, आप उसे जरूर पढ़िएगा। ये ऐसे किताब है जिनमें 400 लोगों के साक्ष्य सीधे लिए गए डायरेक्ट, बिना किसी फेर बदल के, बिना किसी फेर बदल के उसमें प्रिंट किया जाए। ये उन 1947, 48, 46 की बर्बरता की कहानी है, आंखों देखी जुबानी है, जो पाकिस्तान के हिस्से में हिंदुओं के साथ किया गया। 2 करोड़ से अधिक लोग पलायन कर गए, जो बचे मारे गए, जो थोड़े बहुत अभी रह गए उनको सफाई सुथरा करने के लिए रखे गए, जिनकी बहन बेटियों को भी अब मुसलमानों ने अपने कब्जे में कर लिया, और उसके साथ क्या क्या बर्बरता हो रहा है हम सभी रोज के टेलीविजन पे देखते हैं। मैं उन खालिस्तानी को भी कहना चाहता हूं कि आप ढूंढिए कि खालिस्तान कहाँ है। आपको पूरी हिंदुस्तान चाहिए और खालिस्तान चाहिए आपको, और सिर्फ खालिस्तान चाहिए। तो अच्छा होगा कि लाहौर जाइए। हिंदुस्तान में आपके थोड़े से हिस्से हैं, पाकिस्तान में पूरे हिस्से हैं। आप लीजिए, हिंदुस्तान के सैनिक, हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है, बजाय इसके कि आप हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करें। फंड के चक्कर में आपको इस्लामिक अरब कंट्री से फंड मिलता है, इसके चक्कर में आप इन्हें तोड़ने की कोशिश ना करें। इसी विचार के साथ समाप्त। आप सभी एक बार विचार जरूर कीजिए कि अगर शांतिपूर्ण, शांति के संदेश देने वाले मजहब किसी के गला काटने की बातें कैसे कर